बरसाना के समीपवर्ती गांव संकेत में स्थित प्राचीन राधा रमन जी मंदिर में ठाकुर जी का पाटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मौजूद श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के महाभिषेक के दर्शन किए। बरसाना और नंदगांव के बीच स्थित राधा रानी की प्रथम मिलन स्थिति संकेत गांव में भगवान श्री राधा रमन जी का अति प्राचीन मंदिर है। प्राचीन राधा रमन मंदिर के विग्रह ठाकुर श्री राधा रमन जी आज से 7 वर्ष 10 माह पहले 6 दिसंबर 2013 को चोरी चले गए थे, जो कि 9 माह 21 दिन कड़ी मशक्कत के बाद तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के निर्देशन में तत्कालीन सीओ रहे स्वर्गीय मुकुल द्विवेदी ने बरामद कराया। अपने आराध्य के पुनः सकुशल आ जाने के बाद मंदिर के सेवायत और स्थानीय ब्रजवासियों ने ठाकुर जी का पाटोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। उसी क्रम में आज एकादशी के दिन राधा रमन जी पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शनिवार की सुबह सबसे पहले विधि विधान से ठाकुर श्री राधा रमन जी का महाअभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा भजन कीर्तन कर ठाकुर जी का उत्सव मनाया। दोपहर में ठाकुर जी को 56 भोग भी लगाए गए। उसके बाद सभी भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। राधा रमन जी के पाटोत्सव के संबंध में मंदिर के सेवायत पुजारी ने यह जानकारी दी। पाटोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, 8वां उत्सव है। इससे पहले उत्सव नहीं मनाया जाता था, केवल जन्माष्टमी में दिन ही ठाकुर जी का अभिषेक होता था। उस दिन तो सब जगह में होता है ठाकुर का, क्योंकि उस दिन तो हमारा स्वयं ठाकुर प्रकट है। उस दिन तो कि ये क्या है, ठाकुर की लीला लगा लो, क्या है कुछ लगा लो। आज से 8 साल पहले ठाकुर एक तरह से ये समझो जैसा सुनने कि चोरी चली गई थी यहाँ से। फिर जितने लोगों ने भाई बरसाना क्षेत्रवासियों ने इसमें सबका सहयोग रहा, और विशेषकर पदम फौज जी का, उन्होंने ठाकुर को वापसी लाने तक कि वो नरसी वाली है ना, जब तक नहीं हम भात भरेंगे हम अन्नजल नहीं करेंगे, कि नरसी ने प्रण ले लिया था जब तक मैं भात नहीं भरूंगा तक मैं अन्नजल नहीं करूंगा। ऐसे ही इन्होंने कि ठाकुर जब तक वापसी संकेत में ना जाएगा, राधा रमन भैया जो आप दर्शन कर रहे हैं राधा रमन जी के हैं, कि फिर वापस आए 9.5 महीने बाद, और फिर जब से हर साल एकादशी को पाटोत्सव मनाया जा रहा है, ना कि ये पागोटोत्सव है। ये पाटोत्सव के दोबारा आके प्रभु की खुशी में अभिषेक और ये करके, ये नाम राधा रमन भट्ट जी ने दिया है इनका नाम। आप सुन रहे कि यहाँ राधा और कृष्ण एक हो गए थे, इससे पहले राधा और रमन, कि राधा में ठाकुर जी रमे, राधा ठाकुर जी में नहीं रमी है, इसलिए राधा रमन, राधा में रम गए ठाकुर जी, इसलिए इस जगह का नाम। और संकेत कि तीन शब्द हैं, सा और केत, कि सा से समलना और का से कहने और ता से तप, कि जहाँ समल के हम तप करें उस जगह का नाम संकेत है। आज के दिन क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं? देखिए आज पहले सबसे पहले तो यहाँ वो किया जाता है अभिषेक, उसके बाद शाम को भजन संध्या और फूल बंगला, ठाकुर जी का 56 भोग, कि प्रभु को 56 भोग है। जब भाई 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है, यदि आपने इस पर जोर दिया कि भाई 36 व्यंजन और 56 भोग ही ठाकुर जी ने क्यों दिया, कि देखिए ठाकुर जी ने 84 लाख जोनी बनाई है, 83,999 जोनी ऐसी जिनको कुछ मतलब नहीं है, इनको 83,999 की जोड़ लीजिए आप, इनका टोटल 56 आता है, कि सब कुछ भोग के जब इंसान बनाया ठाकुर जी ने, इसलिए ठाकुर जी को 56 भोग लगता है, कि सब कुछ भोगो उसके बाद 56 भोग लगता है ठाकुर जी। तो शाम को फूल बंगला होता है, 56 भोग होता है, और देखिए प्रभु का उत्सव है ये तो रोज रोज है। वैसे तो गोपाल सहस्रनाम में कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संगम, कि ठाकुर जी रोज नया है, और कोई नया नहीं है, केवल गोपाल और ठाकुर रोज नया है। दिने दिने नवम नवम, जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा भगवान है तो कृष्ण है, केवल कृष्ण को भगवान माना गया और किसी को नहीं माना गया। राधा रमन तुम्हारी सर, ये राधा रमन जी, राधा और रानी, ये दोनों को राधा रमन मतलब दोनों मिश्रित, ये जो स्थान है जहाँ ये राधा रमन ठाकुर जी का जो मंदिर विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, ये संकेत वट है, संकेत वट जो 4 वट है ब्रज के अंदर। बाकी जो प्रथम राधा कृष्ण की प्रथम मिलन स्थल ये संकेत वट, और ये ठाकुर जी नारायण भट्टी जी द्वारा स्थापित, इनकी लीला अद्भुत लीला है।
मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं अभी मुझे 10 साल हुए हैं रिटायर होकर के आर्मी से आए हुए, तो बड़ी अद्भुत लीला है इसकी।